समस्त दिल्ली वासियों, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय सिटीजन सेशन कोर्ट न्यायालय और सभी श्रोताओं को शत शत नमन। आज आपको सकता है बहुत चर्चित आजकल जो मुद्दा बना हुआ 27 जुलाई से कोचिंग सेंटर ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की हुई हादसे में हत्या या हत्या, जिस तरीके से ये मुद्दा लोगों की जनता का वोट पाने के लिए राजनीतिक मुद्दा बना, हर पार्टी दिल्ली की जनता का वोट हासिल करने के लिए, भारत की जनता का वोट को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक मुद्दा बना, एक दूसरे के ऊपर छट्टा रिसाकसी कर रहे थे, और जिसकी वजह से मैटर ये लोकसभा में राज्यसभा में भी उठा और प्रधानमंत्री पद तक के कार्यालय के अंदर भी ये महसूल पहुँचा। समस्त मीडिया ट्रायल हुआ बहुत बड़े स्तर के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया इस मैटर के अंदर पुलिस की थ्योरी पे, कार्य प्रणाली पे, कि उन्होंने जो है एक जो रोड से गाड़ी गुजर रहा था जिसने टैक्स भर रखा है उसकी वजह से पानी गिरा, और इसके ऊपर उन्होंने जो ये पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठा दिए गंभीर, और इसके बाद ये मैटर सीबीआई में ट्रांसफ़र कर दिया, और सीबीआई की भी इन्वेस्टिगेशन को एक सीवीसी के मेंबर के सुपरविजन में मॉनिटर करने का आदेश दिया। इसके बाद कटाक्ष भी किया कि पुलिस का अगर बस चलता तो वो जो है इस पानी के ऊपर भी चलान काट देते, जो कि इंद्र देवता, हिंदुओं के धर्म में जो इंद्र देवता है, और धर्मों को तो मुझे नहीं भी पता कि वो कौन जिम्मेवार होता है, इंद्र देवता की वजह से बारिश होती है, तो इंद्र देवता को मुकदमे में नहीं बुलाया। अभी तो ये भी इस ऑर्डर के अंदर बात आनी चाहिए थी कि पुलिस ने इंद्र देवता को पार्टी नहीं बनाया जिन्होंने बरसात कराई दिल्ली के अंदर, और ये बात नहीं इस आदेश के अंदर आई जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि पुलिस ने 14 दिन के लिए जो जुडिशियल कस्टडी में भेजा, न्यायालय के आदेश से भेजा, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस कोर्ट के अंदर मौजूद था उसने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी। न्यायालय ने कोई छोटी जो लोअर कोर्ट्स की जो कोर्ट होती हैं जहाँ सबसे पहले पुलिस अप्रोच करती है कि वो पुलिस की थ्योरी को कैसे सपोर्ट करते हैं, उनको भी ये देखना चाहिए था कि जो न्यायालय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया इस विषय के अंदर कटाक्ष किया, नीचे वाली कोर्ट को देखना चाहिए था कि किस तरीके से उन्होंने उसको जुडिशियल कस्टडी जो भेजा, कहीं ना कहीं वो लोअर कोर्ट की कार्यप्रणाली पे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे सवाल उठाती है। तो ये मैं चाहूँगा कि ये देश की जो उच्च न्यायालय है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरफ ध्यान दें कि संबंधित जब ये केस आगे बढ़े तो वो ये जरूर देखें, और पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर जिस तरह के सवाल उठे हैं वो भी ये देखें कि अगर ये बरसात का पानी अगर इंद्र देवता जितना बार थे तो पुलिस ने उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा, और उसके लिए कौन सा साधन पुलिस ने इस्तेमाल करना चाहिए था, या करते किसी पंडित के माध्यम से या किसी शमशान घाट के पंडित के माध्यम से, क्योंकि इंद्र देवता को भी नोटिस होना चाहिए था इसके अंदर, क्योंकि बरसात तो उन्होंने कराई है। इसी के साथ मैं चाहता हूँ इन सवालों के साथ इस शब्द को विराम देते हैं, और आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को ये दिल्ली की जनता के सामने सवाल रखा है, और ये दूसरा पार्ट है हमारा इस कोचिंग सेंटर पे, बहुत गंभीर सवाल उठे हैं और जो हम साथ साथ जल्दी जल्दी करेंगे, दिन में दो दिन वीडियो डाल के आप तक पहुँचा देंगे। सर जय हिंद, जय भारत, जस्टिस गांधी, जिंदाबाद।